आप लोगों को YouTube का लिंक दे दिया है, तो सभी ग्रुप में दोस्तों YouTube का लिंक दे दिया है। आज बहुत अच्छी अच्छी खबर है। लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आज जो न्यूज आई है जल्द से जल्द इनवाइट करिए, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। सर सत्यवान पांडा जी, उनको भी बुला दीजिए। हाँ जी, अभी हमारे जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं, ये चेकिंग के उभरते सितारे हैं। हर एक आदमी जीएम वीपी यहाँ पे बन चुके हैं। स्टार्ट करें। जी सर, आप लोगों के पास YouTube का लिंक पहुंच चुका होगा। जी कर दिया है सर, ग्रुपों में सेंड। बहुत बढ़िया, मैं भी थोड़ा ग्रुप में डाल देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग लीडर्स ऐसे हैं जो सामने आके नहीं देखना चाहते कि भाई हम काम कर रहे हैं, तो वो लोग यूट्यूब पे बैठते हैं। और कुछ दूसरे कंपनी में काम करने वाले भी जूम में। जी सर ऐसे काफी सारे लोग हैं। ठीक है, आपको एक नई न्यूज़ पता चल गई होगी। फिनटॉच का जब माइग्रेशन चल रहा था दोस्तों, तब कुछ टॉप लीडरों ने एक कंपनी चालू की थी, काम चालू किया था। आज ये सुनने में आया कि उसके विड्रॉल बंद हो चुके। शायद आप लोगों तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। जी सर, हाँ, मतलब 2 महीने में 2.5 महीने में कंपनी की कहानी खत्म।
अब वो लोग कहीं हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, कोई दूसरी कंपनी के लिए गए हैं। वही चीज है दोस्तों, टिके रहने का, चीजों को समझने का, समझ के करने का, बहुत कुछ फर्क पड़ता है कैरियर पे, लाइफ पे, आपके बिजनेस पे, आपके रेपुटेशन पे। वरना आपको पता ही है कि काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं, हर महीने डेढ़ महीने में नई कंपनी, हर दो तीन महीने में नई कंपनी, इस तरह के लोग काम करते रहे। लेकिन हम लोग आज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पिछले 7 महीने से केवल और केवल मात्र फिनटॉच के साथ जुड़े हैं। और जब तक फिनटॉच चलता रहेगा दोस्तों, फिनटॉच के साथ ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हम इसको एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं कह सकते। और कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे, सर फिर कमीशन कैसा है? बिल्कुल, आज ट्रेडिशनल में भी कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रेफरल प्रोग्राम चलाती, कई सारे, यहाँ तक कि फोन पे, गूगल पे, वो तक चलाती है, रेफर करो इतना पाओ। कई सारे शॉपिंग पोर्टल सभी जगह चलती, क्योंकि उनको कम्युनिटी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जाते। तो फिनटॉच ने भी शुरुआत में कम्युनिटी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया, और जब फिनटॉच चेन लॉन्च करने का समय आया तो उसको स्टॉप करके फिनटॉच चेन में कन्वर्ट कर दिया और अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी। ब्लॉकचेन लॉन्च करने के साथ साथ कई सारे और प्रोजेक्ट लॉन्च किए। अगर इसके एक एक प्रोजेक्ट को हम स्टडी करते, अगर हर एक प्रोजेक्ट को स्टडी करने जाएंगे दोस्तों, तो 2-3 घंटे भी हमें कम पड़ेंगे। इसलिए जितना जरूरी है, क्योंकि तो ज्यादा समय तक लोग मीटिंग में नहीं बैठते, तो हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट में फिनटॉच के बारे में, उसके प्रोजेक्ट के बारे में, उसके ब्लॉकचेन के बारे में, उसके डिसेंट्रलाइज वैलेट के बारे में, उसके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बारे में, इस कैसी डिजाइन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। अगर इसके फिनटॉच चेन की हम बात करें, जिसको हम डाउ चेन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके अंदर उन्होंने 2 चेन बनाए। आप सभी देख रहे हैं, जितने भी यूजर है सभी देख रहे हैं, एक मेन चेन है, एक फिन चेन है, जिसको पैरेलल चेन कहा जाए। थर्ड जनरेशन लेयर आर्किटेक्चर पे एक डिजाइन किया गया। मेन चेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बना सकता है, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखने को मिलेंगे आपको। और इसकी जो फिन चेन, वो माइनेबल है, उसके द्वारा हम सभी को माइनिंग एफटीसी कॉइन आ रहे। इस चेन ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े मेजर चैलेंजेस को सॉल्व किया, रिसॉल्व 3 मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक चेन। डिसेंट्रलाइजेशन सभी है ब्लॉकचेन, लेकिन इन्होंने एक एडवांस अप्रोच मैकेनिज्म डाला है अपनी ब्लॉकचेन। सिक्योरिटी सभी ब्लॉकचेन में है, लेकिन इन्होंने जो सिक्योरिटी डाल, वो जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी। और आप सब देखते आ रहे हैं सुपर नोड्स, 100 सुपर नोड्स है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें से कोई भी रेंडमली 10 सिलेक्ट होके उस ट्रांजेक्शन को क्लियर कर, वेरीफाई कर। उसके अलावा 10,000 अलग है नोड और सुपर नोड, सुपर नोड 100 और नोड 10,000। स्केलेबिलिटी ये बहुत कम ब्लॉकचेन में आपको मिलेगी, इथेरियम में नहीं है, बिटकॉइन में नहीं है, किसी में डिसेंट्रलाइजेशन है, सिक्योरिटी है, तो स्केलेबिलिटी नहीं है। इसमें तीनों चीजें, मतलब एक बहुत ही लेटेस्ट तरीके की टेक्नोलॉजी, और साथ में
माइनेबल पॉइंट को ग्रो करने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए कई सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं जो हरेक के पास नहीं है। लेकिन फिनटॉच के पास खुद का नेटिव टोकन, जिसको हम मेन एफटीसी कहते हैं, क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड फिनस्वैप के नाम, खुद का स्टेबल कॉइन, खुद का फिन एसबीटी और डिसेंट्रलाइज्ड प्रूफ ऑफ क्रेडिट, ऐसे पांच फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें से तीन ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नेटिव टोकन जो माइनेबल है। 840 मिलियन क्वांटिटी रहेगी, है नहीं, और ये 100% माइनिंग के द्वारा ही दुनिया में आएगी। अब माइनिंग के पैरामीटर क्या है, जिसको कहते हैं ब्लॉक रिवॉर्ड। हर ब्लॉक में 10 एफटीसी रिलीज होते हैं और एक ब्लॉक बनने का समय है 3 सेकंड। जिन लोगों को माइनिंग आ रही है वो लाइव चेक कर सकते कि हर 3 सेकंड में उनको माइनिंग आ रही है और हर 3 सेकंड में 10 कॉइन माइन हो रहे हैं। हर 4 साल में इसका हालविंग रखा गया है, मतलब हर 4 साल में इसकी क्वांटिटी आधी हो गई। अभी जितनी क्वांटिटी हम लोगों को आ रही है वो 4 साल तक सेम रहेगी, उसके बाद आधी हो गई। ये है नेटिव टोकन। अगर मैं फिनस्वैप की बात करूं जो दुनिया का पहला क्रॉस चेन, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी मोटी चीज मत समझना। अगर छोटी मोटी चीज होती है तो कई लोगों ने बना दी होती। आज हर एक आदमी को क्रॉस चेन किसी भी डिसेंट्रलाइज ऐप पे अवेलेबल नहीं। अगर आप ट्रस्ट वैलेट की बात करें, मेटामास्क की बात करें, वहां पे भी नहीं है। जो केवल फिनस्वैप लिक्विडिटी एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, डाउ चेन लाइटनिंग इंट्रैक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट AMM थर्ड जनरेशन सिस्टम, जिसको कहा जाता है ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग सिस्टम, है जहां पे क्रॉस चेन स्वैप होता है, LP के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, प्राइस रेंज पे भी कंट्रोल किया जाता है, कैपिटल अलोकेशन का। ऐसा क्रॉस चेन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज केवल फिनस्वैप जो लॉन्च हो चुका, बहुत जल्द इनका एक सोलबाउंड टोकन लॉन्च होने जा रहा है फिनएसबीटी, जिसको एक नॉन ट्रांसफरेबल NFT कहा गया है। दोस्त जब लॉन्च हो जाएगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। खुद का स्टेबल कॉइन FUSD। आज तक आपने 3-4 नाम मार्केट में काफी चर्चित सुने हैं, USDT, TRC20, TRC20, BEP20, उसके बाद BUSD, USDC। सेम उसी के जैसा FUSD, इक्विवेलेंट USDT के साथ सेम वैल्यू, किसी भी ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी को अगर खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है, अपने ही ब्लॉकचेन पे किया जाता है, तो उसे उसके सामने बहुत बड़ी अमाउंट डिपॉजिट रखनी पड़ती और एक करोड़ों डॉलर की डिपॉजिट रखने के बाद यह PST रिलीज करने का परमिशन मिला। और आज जो गुड न्यूज आई है वो भी लास्ट में आप अगर सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि किस लेवल पे, किस प्रोजेक्ट पे फिनटॉच काम कर। और हमारी खुश नसीब यह है कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो हर एक आदमी की तमन्ना होती है कि यार मैं तुझे कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं बिल्कुल दिलो जान से लग के अपना कैरियर सेट करूं। लेकिन कई सारे लोग अभी भी पूछते यार कोई ढंग का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। भाई साहब चश्मा पहन लो,
अच्छी आंखों से देखो, स्टडी करो, समझ में आएगा बहुत कुछ दुनिया में अच्छा है। देखने का नजरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं आपके सामने। इसके अलावा अगर इनके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इनके फाइनेंशियल इकोसिस्टम, बहुत कुछ मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। फिन पे जो एक पेमेंट गेटवे है, फिनबॉक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिनबिल फाइनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट, फिनसोल लॉन्च हो चुका है, स्टार्ट करना बाकी है, द नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिन पे। दोस्तों फिन पे ये आज तक इस तरीके का पेमेंट गेट आपने और कहीं नहीं देखा जो इसी महीने में लॉन्च होने जा रहा है। केवल 3 सेकंड में आपकी कोई भी करेंसी बेच के आपके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट होगा। आज आप सभी जानते हो, बाइनांस हो, वजीरेक्स हो, लोगों को बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने में काफी दिक्कतें आ रही है, कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, P2P में फ्रॉड हो रहे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं है, कर नहीं पाते, किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता। उन सब के लिए फिन पे एक वरदान साबित होगा, जिनको अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने, अपने पास अर्निंग से आई हुई कोई भी करेंसी अपने रोजाना खर्चे के लिए, घर परिवार चलाने के लिए जो INR की जरूरत होती है, यहां से आसानी से ले पाएंगे। जिसके लिए कंपनी ने स्विफ्ट, पलपे, वीजा, इन सब का साथ लेकर और साथ ही साथ वॉल स्ट्रीट बैंक का साथ लेके इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया। दोस्तों ये देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि स्विफ्ट का सपोर्ट लेना, वो भी लीगल तरीके से, वीजा पूरी दुनिया जानती है, पलपे को जानती है, तो आप सोचिए दुनिया के किसी भी फिएट करेंसी को यहां पे आप अकाउंट में ले सकते। साथ ही साथ इसमें क्रॉस चेन ब्रिज भी डाला जाएगा, जो हम बोलते हैं फिनस्वैप के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक साथ कनेक्ट होने वाला है। फिनस्वैप आ चुका है, फिन पे आते ही आपको सारी क्रॉस चेन नजर आ जाएगी। तो इतना बेहतरीन शानदार प्रोजेक्ट ये किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों का काम नहीं है दोस्तों, ये पहले से कहते आए हैं कि एक प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप आज बिलीव नहीं करोगे। मैं जानता हूं पूरी दुनिया हिला के रख देगा फिनटॉच का प्रोजेक्ट। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं इनके, छोटे छोटे अलग अलग जो आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज लोगों को क्या लगता है कि अपना प्लान प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी हाक रहा है। आपके पास रिकॉर्डिंग है, आगे चल के आप बोलोगे कि यार बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बनाया किसके लिए जा रहा है, किसके अगेंस्ट बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, बहुत कुछ रीजन है इसके पीछे। आप समझ नहीं पाओगे फिलहाल, जब लास्ट में न्यूज बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिन पे के बाद पहली बार आप देखोगे फिन बिल, फाइनेंशियल बिल ट्रेडिंग मार्केट। कभी सुना नहीं होगा कि बिल्स का भी ट्रेडिंग होता है, प्रोमाइसरी नोट का भी ट्रेडिंग होता है और चेक का भी ट्रेडिंग होता है। ये आपको देखने को मिलेगा फिन बिल में। फिन सोल मेटावर्स बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन का गेमिंग प्लेटफॉर्म। आप बोलोगे यार कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन को क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए, किस तरीके का NFT प्लेनेट चलेगा इसके अंदर, कैसे ChatGPT कोर काम करेगा। आप अभी ChatGPT कई बार सुनते हैं, एक्चुअली अनुभव आप पिनसोल के अंदर करेंगे। जो नई पीढ़ी है उनके लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है दोस्तों, क्योंकि नई यंग जनरेशन सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है गेमिंग में।
सोशल मीडिया में, तो यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ वेब थ्री बेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा। तो आपको कई बार बुलाया गया है कि कंपनी के कई सारे इन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम कंप्लीट होते जा रहे हैं, एक बाय एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता जाएगा। 6 महीना साल भले ही लगे, लेकिन एक के बाद जो चीज आएगी एकदम फिल्टर होके लेटेस्ट सबकी पसंदीदा वो चीज रहेगी। तो इतने सारे इकोसिस्टम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास, और न जाने नए नए क्या क्या चीजें आएगी हम सोच नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पूरे दुनिया में किसी को पता नहीं कब क्या होने वाला है, फिल्टर सीधा लॉन्च कर देते, कल का न्यूज देते, किसी को पता नहीं था इस तरीके का चीज आएगी। 15 तारीख को और कुछ बेटर आ रहा है, अभी 13 तारीख को आप सबको पता है सिंगापुर में इवेंट होने जा रहा है। कल मॉर्निंग में हम लोग निकल रहे सिंगापुर के लिए, रात को पहुंच जाएंगे, परसों इवेंट में हम रहेंगे, वहां से आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा जूम ऑन कर। जो प्रोजेक्ट चलेगा वो लाइव चलेगा वहां पे, जूम पे चालू करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों फिनटॉच में जो भी हमारी कम्युनिटी अभी तक जुड़ी है उन सबको पता है कि उनको रेगुलर बेसिस पे डेली इंक्रीज होती हुई माइनिंग में FTC कॉइन डेली के डेली उनके वॉलेट में क्रेडिट हो रहा है। कुछ लोगों के सवाल रहे कि सर कितना आ रहा है, तो आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से आपको डेली आ रहा है। क्लियर हो गया कंपनी का बेस, कंपनी के प्रोजेक्ट। अगर मैं ओनर मैनेजमेंट ये सब बोलने जाऊंगा दोस्तों तो काफी समय चला जाएगा। अब आते हैं मेन, क्योंकि कल रात को एक बेहतरीन शानदार अनाउंसमेंट हुआ था, आज आप लोगों के पास आ भी चुका दोस्तों। अब गली गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, स्टेट में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फिनटॉच ऐसा गूंज रहा है। इंडिया में तो हम सब गुंजा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में भी देखो ऐसा तहलका। और जो कंट्री बची है जहां जहां फिनटॉच स्टार्ट नहीं हुआ है उस कंट्री में भी कंपनी बड़े लेवल पे छोटे छोटे मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे वर्ल्ड लेवल पे, जहां का पूरा एक्सपेंस कंपनी करेगी। तो आइए इस नए बेहतरीन शानदार स्टेकिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। स्टार्ट कैसे करें दोस्तों? मिनिमम $100 $500 आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे 3 तरह के अलग अलग टाइम पीरियड के स्लैब है। टाइम के अनुसार अगर आप 7 दिन के लिए स्टेकिंग लगाते तो आपको डेली का 1% मिलेगा USD में। आपके चॉइस आपके ऊपर है, देखना आज प्लान में थोड़ा चेंजेस है, पहले से बेहतरीन है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको FUSD में चाहिए तो 1%, अगर आपको FTC में चाहिए तो 1.1%। मजा आ गया? अब तक क्या था, 1% FUSD में आता था, FTC में चाहिए तो 1.1%। 7 दिन के बाद आपकी जो इच्छा, भाई रीइन्वेस्ट करना है आपकी मर्जी, नहीं यार मुझे क्विट करना है, स्टेक को रिमूव कर लो। और जो भी अमाउंट आप लगाते हो $100 से $50,000 तक, उसका जो प्रॉफिट आएगा जिसमें भी आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन आपके हाथ में, FTC में चाहिए डेली या FTC में चाहिए। और जो डेली आपको प्रॉफिट आ रहा है 1% या 1.1%, उसको आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं, डेली के डेली। तो ये था पहला स्लैब 7 दिन का। अब चलते सेकंड, 15 दिन के लिए। पहला 7 दिन था, 15 दिन।
15 दिन के लिए आप लगाते हो, या फिर जिन्हें चाहिए तो 1.1%, और अगर आपको एफटीसी में चाहिए तो डेली 1.2%। परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, आपको किस में चाहिए चॉइस आपके पास है, कोई फोर्स नहीं है। आप चाहते हो मुझे एफटीसी में चाहिए, मिलेगा। आप चाहते हो मुझे एफटीसी में चाहिए, मिलेगा, चॉइस आपकी है। जब आप चेकिंग करने जाते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको प्रॉफिट किस में चाहिए, उसी में आएगा। 15 दिन के बाद आपकी मर्जी है, दोबारा चाहो तो रीइन्वेस्ट कर लो, चाहो तो स्टेक रिमूव करके निकल दो। प्रॉफिट डेली निकाल सकते, और इन्वेस्टमेंट वही सेम $100 से लेके $50,000। तीसरी अगर बात करें, 3 स्लैब है, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। दोस्तों यहां पे आपके पास पूरा फ्रीडम रखा गया है, डिसाइड आपको करना है कि मुझे 7 दिन के लिए लगाना है, 15 दिन के लिए लगाना है, 30 दिन के लिए लगाना है। 30 दिन के लिए लगाते हो तो 1.2% अगर आपको FUSD में चाहिए, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे FTC में चाहिए, तो डेली 1.4%। कितना शानदार मौका है, जिसको नॉलेज है, जिसने स्टडी की है, जो चीजों को समझता है, जो फिनटॉच की टेक्नोलॉजी जानता है, मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा FUSD में लेगा। एक तो परसेंटेज भी ज्यादा और FTC में आया, तो भाई साहब FTC का ग्रोथ होना तय है, तो एक एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। चॉइस आपकी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको FUSD में लेना है या FTC में लेना है, चॉइस आपकी है, लेकिन बताना हमारा काम। 30 दिन के बाद आपकी मर्जी है, कंटिन्यू करना है तो आपकी मर्जी, और स्टेक को रिमूव करना है आपकी मर्जी। और अमाउंट तीनों स्लैब के अंदर सेम। बाकी आपने कई सारे प्लान देखे, जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है वैसे अमाउंट बड़ा डालने के लिए बोलते हैं आप। भाई साहब $1,000 डालोगे आधा परसेंट, $5,000 डालोगे 1%, $10,000 डालोगे 1.25%, यही होता है। यहां आप मिनिमम 100, मैक्सिमम जितनी मर्जी। एक बार चेकिंग करते समय 50,000 तक की अमाउंट लेता है, एक बार लग गया फिर वापस लगाओ, दूसरा चेकिंग करो, तीसरा। एक आईडी में जितना चाहिए उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए, 7 दिन का, 15 दिन का और 30 दिन का। डेली का प्रॉफिट आपको किस करेंसी में चाहिए, स्टेबल कॉइन में चाहिए या फिर अपने खुद के माइनेबल कॉइन में, FTC में चाहिए, डिसीजन आपका रहेगा। इसके बाद बात करते हैं रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम में केवल 2 लेवल का प्लान है दोस्तों, लेकिन ये 2 लेवल बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है। जितने भी आपके डायरेक्ट रहेंगे उनका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली का 0.15% मिलेगा। अगर इसको हम मंथली काउंट कर तो ये 4.5% बन जाएगा। सेकंड लेवल की बात करें, सेकंड लेवल जितना भी बिजनेस लगता है उस बिजनेस का 0.10% आपको डेली मिलेगा, और इसको अगर मंथली हम काउंट करते हैं तो 3% मंथली। और मैं सभी से आग्रह करता हूं, जो भी फिनटॉच नए लोग करना चाहते, जितने भी नए हमारे भाई बैठे, गेस्ट बैठे, आपके लीडर आपको बताए ना बताए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो आपको राइट में स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे ही आईडी आपको लगानी है। आपकी ऊपर की आईडी यू, उसके बाद डायरेक्ट में एक मारना और पहले से दूसरी मारना,
और दूसरे में आपको जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना है उसमें लगा देना, ताकि आपके ऊपर के दोनों आईडी को ये 7.5% महीने का एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब डेली का 0.25% आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। तो सभी लीडर मार्केट में जब जाए तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ये बेनिफिट जरूर बताए। तो ये दो लेवल आपको क्लियर हो गया। इसके बाद काफी सारे लोग बोलते सर दो लेवल का प्लान है, लीडर कैसे आएंगे, लीडर के लिए क्या है। लीडर के लिए एक शानदार रैंकिंग सिस्टम है दोस्तों, जहां पे आपको इतनी बड़ी पैसिव इनकम मिलती है, डेली बेसिस पे आपकी इनकम ग्रो करती बढ़ती जाती पर डे, इतना बड़ा बेनिफिट यहाँ। आइए देखते टीम मैनेजमेंट बोनस, जिसको हम कहते हैं रैंकिंग। अब रैंकिंग मिलेगी कैसे? सबसे पहले आप अगर 5 डायरेक्ट करते हो और आपके टीम का टोटल स्टेकिंग का बिजनेस, एलपी का बिजनेस मिला के $50,000 का वॉल्यूम होता है, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर, जहां पे आपको आपके टोटल टीम का 0.2% डेली मिलता। $50,000 का 0.2%, ये आपको $100 अगर हम $50,000 का काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एफ यूएसडी नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको एफटीसी। अब आप देख रहे हैं डेली 10-20 सेंट डेली ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको स्टेबलाइज की तरह लेके जाना है कंपनी को। तो डेली आपको मान लो 2 कॉइन आ रहे, $50 का रेट है, 100 हो गए, आज 52-53 का चल गया तो 106 हो गए। मतलब एज इट इज प्लान है, प्लान में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं, उल्टी इनकम बढ़ चुकी है। अब मान लो आपको 2 कॉइन आए डेली के, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल उठ के $75 का भाव हो गया भाई साहब, $100 का हो गया, 500 का हो गया, 1,000 का हो गया। अगर आपने उसको नहीं बेचा, पड़ा है, जरूरत नहीं मुझे, जरूरत होगी तो बेचेंगे, तो वही डेली 0.2 आया हुआ एफटीसी $50,000 से बॉस आपको इतना ग्रोथ देगा जो हम सपने में भी नहीं सोचते। ये कब आपको फील होता है? जब आप चीजों को समझते। जो कोई चीजों को समझता ही नहीं वो क्या करेगा, अरे यार $50 है बेच दो, $100 पहले भी आता था अब भी आ रहा है। क्योंकि हम लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है। वरना इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन बॉटम से चालू हुए, कई सारी कम्युनिटी ने बाय भी किए थे, लेकिन छोटे से बेनिफिट मिलते ही उसको बेच दिए। मैं कई सारे नाम बता सकता हूं, बिटकॉइन से लेके शिबा तक सब जानते हैं। बाइनांस का जब बीएनबी लॉन्च हुआ था 10 सेंट पे दोस्तों, तो तकरीबन मैं मेरी बात करता हूं तो $1.5 के हिसाब से मेरे पास बाइंग करने का मौका मिला। लेकिन जैसे $3-4 हुआ तो लालच आया, यार 3-4 गुना हो गया, निकाल दे, निकाल दिया, 650 तक जाके आया। अगर होल्ड किया होता तो आज भी मान लो 650 जोड़ो, आज 240 में भी बेचते, क्या बनता भाई साहब? लेकिन पेशेंस नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, हम सबकी बात कर रहे हैं। जैसे रेट हमको हाई दिखता है, थोड़ा 10-20%, 30% भी राइज दिखता है, हम लोग अपने क्वांटिटी को, अपने एसेट को सेल कर देते, हम सबका वही हाल है। तो यहाँ पे आपको बड़ा बेनिफिट हो सकता, बशर्ते आपके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो जीएम आपको क्लियर है, जीएम के बाद सेकंड रैंक। जैसे आपके दो अलग अलग लेग में एक एक जीएम और टोटल टीम का वॉल्यूम
$1.5 लाख, जिसमें जीएम का 50,000 काउंट किया जाता है, मतलब नया $1 लाख आप बनते हो वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को 0.3% मिलता है टोटल टीम का, जिसमें से जीएम का माइनस किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास दो ही लेग है, दो लेग में जीएम बन के बाकी अदर लेग में कोई जीएम नहीं, वहां तो पूरा कंप्लीटली 0.3% मिलेगा। जहां जीएम बने वहां से 1.1% गैप कमीशन मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। जो लोग जीएम वीपी बने उनको संपर्क करें, आपको बता देंगे क्या मैजिक है जीएम का वीपी का। और डेली कई सारे जीएम बन रहे हैं, आज मैं लिस्ट तो रात को बना दिया था, जब मैं जीएम चेक कर रहा था दोस्तों तो टोटल टीम में 69 जीएम मिले। कितने? 69 जीएम। सोचो वीपी मिले लगभग 12 के करीब। आगे और भी बताता हूं, नेक्स्ट रैंक के लिए क्या करना है, दो अलग अलग लेग में एक एक वीपी और $5 लाख का बिजनेस, तो आप हो जाते हो एसपीपी। और अभी तक लगभग 5 के करीब एसपीपी बन चुके हैं टीम में। उसके बाद एसपीपी के लिए मिलता है 0.4% टोटल टीम के बिजनेस पे। जैसे आपके दो अलग अलग लेग में एक एक एसपीपी और $20 लाख का बिजनेस, तो आप बन जाते हो ईडी। दोस्तों ये रैंक भी अचीव हो चुकी है और बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर टीमों में भी ईडी निकलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से 3-4 लोग एसपीपी हो चुके हैं आराम से। अब बहुत जल्द वो ईडी बन जाएंगे, क्योंकि पता चल गया कैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन निकाला जाता है, कैसे काम करना पड़ता है, कैसे टीम में अचीवमेंट निकालनी पड़ती है, सबको पता है। तो फटाफट लोग जीएम बनते जा रहे हैं, जैसे जीएम बन रहे ऊपर वाले वीपी बन रहे, नीचे वीपी बन रहे ऊपर वाले एसपीपी बन रहे, नीचे एसपीपी बन रहे ऊपर वाले ईडी बन रहे। ईडी को मिलता है 0.5% टोटल टीम के वॉल्यूम का। और लास्ट में जैसे ही आपके नीचे दो अलग अलग लेग में एक एक ईडी और $60 लाख का बिजनेस, आप बन जाते हो दोस्तों एमडी। और एमडी को मिलता है 0.6%, 5 रैंक। और आने वाले इसी महीने में, महीना भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगस्त महीने के अंदर ही रैंक आपको अचीव होती हुई नजर आएगी। मैक्सिमम 20 तारीख, आज कितनी है 11, 9 दिन के अंदर निकल जाएगा उस लेवल का प्लानिंग करती। इतना बेहतरीन काम चल रहा है टीमों के अंदर, आज लगभग डेली का $5 लाख से ज्यादा का बिजनेस लग रहा है पर डे। इतने बेहतरीन तरीके से सारी टीमें काम कर रही है, जबकि कई सारी टीम मिसिंग है, उसके बावजूद भी शानदार तरीके से काम कर रही है, क्योंकि लोगों ने जान लिया है, समझ लिया है कि फिनटॉस क्या है। और जो जुड़े रहे, इसकी स्टडी करते रहे, समझते रहे, वो आज भी फिनटॉस के साथ, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इतना शानदार प्रोजेक्ट, इतना शानदार प्लान, इतनी ह्यूज अर्निंग आज वर्ल्ड के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। प्लान बनाने के लिए अभी मैं बना दू 50,000 की वेबसाइट, डेली 5%, कोई मीनिंग है उसका? अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है, आज ही एक भाई साहब ने कॉल करके बताया, हमारे कुछ फिनटॉच के लीडर्स दूसरे कंपनी में गए थे बीच में माइग्रेशन के समय, बोलते वो खत्म हो गई, कुछ लोगों ने अपनी खोली थी, वो भी बिल्कुल ऑक्सीजन पे चल रही है। दोस्तों ऐसे नहीं होता है, आज इतनी सारी कम्युनिटी हम लोगों के पास है, प्लान बना के नहीं डाल सकते, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी है हम लोगों की, कि हमें सोच समझ के हम किस प्लान को करना चाहिए,
क्यों करना चाहिए, क्या सही में यहाँ पे कैरियर बन पाएगा। ऐसा तो नहीं महीने दो महीने में वापस जीरो से शुरुआत करो, वापस फिर लोगों की गालियां सुनो, कोई जरूरी नहीं। धीरे धीरे करो, अच्छा करो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रैंकिंग, जब भी जनरेशन प्लान रैंकिंग सिस्टम होती है तो कई सारे लोग सेम रैंक पे पहुंच जाते, बिल्कुल यहाँ पे भी पहुंचने वाले और पहुंच ही रहे हैं। तो सेम रैंक डिफरेंस क्या होता है, मान लो आप जीएम हो, आपको 0.2% मिल रहा है टोटल टीम के बिजनेस का। अब आपके नीचे कोई जीएम बन गया, अब वो ले जाएगा भाई सब 0.2%, आपके हिस्से क्या आएगा, आपके हिस्से आएगा उसको जो अमाउंट मिल रही है उसका 20%। ये सेम रैंक डिफरेंस। और लास्ट रैंक कौन सी है, एमडी। अब एमडी बन गए आप, अब तो आपके नीचे कितने भी एमडी बने, आप एमडी रहोगे, आगे तो रैंक है नहीं। उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, एक एमडी आपके नीचे आता है तो आपको बोलती है एमडी प्लस, तो आपको टोटल टीम के वैल्यूम का 0.01% देती है। ये कंपनी अपने जेब से देती है, अपने पूल से देती है। आपके दो अलग अलग लेग में दो एमडी बन गए तो आप हो गए एमडी प्लस प्लस, वहां 0.02% देती है। और तीन अलग अलग लेग में एमडी बन जाते हैं तो आप बन जाते हो एमडी प्लस प्लस प्लस, तो आपको 0.03% देती है। तो ये था प्लान, शायद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये कुछ चीजें थी जो अभी ऑलरेडी पहले बता चुका हूं मैं। अब आपको आज के न्यूज का कुछ किस्सा सुनाऊं। आज आपको हिंदी में न्यूज मिल चुकी होगी। मैं एक मेरा जूम का स्क्रीन शेयर करता हूं। आज दो स्क्रीन शेयर आपको दिखानी है अलग अलग, तो आप बने रहिए। जैसे आज का मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये आप पढ़ ही रहे होंगे हिंदी में। आज 11 अगस्त की जो कंपनी की मीटिंग हुई थी तो वहां पे ये न्यूज आई कि पैनकेक पे जिन जिन लोगों की एलपी लगी है, वो तो मैंने बता ही दिया था, वहां 7% लेने से अच्छा है वहां रिमूव करके अपने आप एलपी लगा दो। आप नहीं लगा पाए, अब शायद उतने अमाउंट पे एलपी तो लगेगी लेकिन प्लेज नहीं हो रहा है। तो जब आपको चीजें बताई जाती है, समझाई जाती है, तब आपके समझ में नहीं आता है। अब मान लो किसी की पेन किक पे एलपी लगी हुई है, अब वो रिमूव करके यहाँ पे लगाने जाएगा तो भी दिक्कत आएगी। अब देखना, अब बोलेगा $100 चाहिए, अब तक आपका उतने एलपी में यहाँ पे पिन स्वैप पे लग के वहां पे एलपी भी लग जाती थी, प्लेज भी होता था और उस अमाउंट पे 1.2% प्रॉफिट भी चालू होता था। आपको लाइव दिखाऊंगा मैं क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते तभी ये चीजें सामने आती है और तभी मैं आपको बताता हूं। नहीं किया, यहाँ पे क्या बोला, पैनकेक पर हमारे लिए कोई एफटीसी नहीं होगा, उन सभी को हमारे एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि सारा का सारा इकोसिस्टम केवल हमारे ब्लॉकचेन पे चले, हमारे फिनटेक चेन पे चले। इनके अब हमारे पास बाजार में प्रवेश करने के लिए रणनीतिक समायोजन और करने और अपने ब्रांड को अपग्रेड करने के लिए नई पूंजी आ चुकी है, बहुत फंड इकट्ठा हुआ है डेवलप करने के लिए, हमारे फिनस्टैप ब्रांड ट्रैफिक और उपयोगकर्ता अनुभव का निर्माण करें। हम सबको बोल रहे कि हमारे एक एक चीजों का आप एक्सपीरियंस लीजिए, एक सप्ताह के भीतर ईवी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। अब हमारे पास बाजार में प्रवेश करने के लिए रणनीतिक समायोजन करने और ब्रांड को अपग्रेड करने के लिए नई पूंजी है। एफटीसी की कीमत बढ़ रही है और एफटीसी परिस्थिति में समृद्ध है।
अभी आपको जल्दी इनकी बुक मिलेगी, जैसे आपका व्हाइट पेपर की बुक आई थी अभी मेरे पास ऑफिस में पड़ी है, चाइनीज और इंग्लिश में इसका एक हफ्ते के अंदर पूरी बुक बाहर आ जाएगी पूरे प्रोजेक्ट की। उसके अलावा अमेरिकी कंपनियां सार्वजनिक हो जाती है, और जब अमेरिकी SCF कंपनी एक SCF समूह को फिर से पंजीकृत करती है तो हमारी सूचीबद्ध कंपनियों के सभी बयान लगभग 2 महीने में सामने आएंगे। SCF समूह कैमेन द्वीप समूह में एक कंपनी पंजीकृत करेगा, कंपनी और वहां पे अमेरिकन में, और संयुक्त राज्य में एक फंड कंपनी भी इन्होंने बनाई हुई है। फंड कंपनी के नीचे 3 नई कंपनियां और क्रिएट किए इन्होंने, जो मुख्य रूप से हमारा SCF पारिस्थितिक तंत्र है। फंड कंपनी मतलब जो मुख्य रूप से हमारा SCF पारिस्थितिक तंत्र है, एक प्रौद्योगिक कंपनी के लिए जो ट्रेडिशनल है, पूरे शीर्ष स्तर के डिजाइन सभी 2 दिनों में बाहर आ जाएंगे, मतलब अगले 2 दिन में ये सारा डिजाइन आप लोगों के सामने होगा किस तरह से काम करेगा। यह समायोजन एक रणनीतिक समायोजन है। ब्रांड को ACF जिसको बोलते हैं क्रॉस चेन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, उसमें अपग्रेड किया गया है या किया गया था। ACF ब्रांड का नाम बदलने और अपग्रेड करने के बाद कंपनी वैश्विक रणनीतिक सहायता प्रदान करेगी, इंक्लूडिंग चाइना। अब देखो अलग अलग कंट्री में जहां पे टीम कम है, 100 ऑफलाइन सैलून मीटिंग, एक एक टेबल पे 10-10 लोगों के साथ, जिसके लिए 100 युआन जो चाइनीज करेंसी है उसका भुगतान करती है। चीन ऑफलाइन सैलून का समर्थन करने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शुल्क तैयार कर रखा है, $10 लाख। दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया केवल ऑफलाइन स्टार्टअप बैठकों के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, जगह जगह जाके 1-to-1 $50,000 अमेरिकी डॉलर का समर्थन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी डेवलपमेंट के लिए। विभिन्न देशों में ऑफलाइन सैलून बैठकें शुरू हो गई है और कंपनी उनका समर्थन भी करती है। कंपनी फीस का भुगतान करती है। लगभग 100-200 लोग वीडियो यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के बाजारों में बनाएंगे और जाएंगे और उससे वीडियो बना के यूट्यूब में डालेंगे, कंपनी को भेजेंगे कि हमारी यहाँ यहाँ मीटिंगें चल रही है। अब बैठक के 20-30 सैलून मीटिंग वीडियो शूट किए जाएंगे। अब आगे का देखो, इसके बाद 15 तारीख से शुरू होकर शुद्ध जमा पुरस्कार स्तर के लिए अनुसार दिए जाएंगे। अब कॉन्टेस्ट आएगा 15 तारीख से, जिसमें जो भी GM, VP, SVP अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनको GM के लिए 3%, VP के लिए 5%, SVP के लिए 7%, ED के लिए 9% और MD के लिए 10%, मतलब कुल मिला के 10%। इसमें भी गैप कमीशन रहेगा, देखना। पुरस्कार के रूप में दिया जाए, जिसका 50% इस महीने में दिया जाएगा और 50% अगले महीने में दिया जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू बनती है अवार्ड के रूप में। क्लियर? यहां तक चीजें आपको क्लियर अगर हो गई तो अब चलते हैं दूसरे मोबाइल पे, क्योंकि इसमें मेरा वैलेट नहीं चलता। अब मैं देखता हूं कि मैं होस्ट हूं कि नहीं, 1 मिनट चालू रखिए। यस, नहीं है। ओके, अब हो गया हूं मैं। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं, जो चीज आप लोगों को समझाई गई थी, बताई गई थी, वो आप लोगों ने नहीं की। ये देखिए, ये मेरा एक वैलेट है, आज ही मैंने टेम्पररी एक नया क्रिएट किया है। देखो 0-0 है। तो मैं आज ट्राई करने गया था कि ये जो चीजें चेंज हुई है, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1%, 1.2%, 1.4%,
यहां मैं ट्राई कर रहा था दोस्तों, आप आपके सामने कर रहा हूं, एड लिक्विडिटी में मैंने 0.1 डाला और मेरी एफटीसी यहाँ पे लग भी गई। देखो आज ही लगाई, अभी 9:30 बजे मीटिंग चालू होने से 7 मिनट पहले, टाइम देखो 21:23 लगा दी। अब मैं इसको प्लेस करने जा रहा हूं। देखो ये प्रैक्टिकल जब हम नहीं करते तब तक ये चीजें समझ में नहीं आती, अब मैं प्लेस करने जा रहा हूं, ठीक है। 0.7191 देखो प्लेज नहीं आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी $100 कर दिया हो। तो जिन लोगों का पैनकेक स्वैप में पड़ा है अब रिमूव करके क्या करोगे, अब वेट करो कंपनी करने तक, क्लियर। आपके सामने मैंने लगाया था, ट्राई किया था, अगर मान लो कोई पैनकेक का एलपी रिमूव करता है और यहाँ लगाता है, एलपी तो लग चुका है, अभी एलपी रिमूव भी नहीं हो रहा है, देखो हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा बिल्कुल, ये देखो ठीक है। अब आपका ये टाइमिंग पूरा होता है प्लेज का, तो आपका जो फिन एलपी रहता है वो यहीं से रिमूव हो जाए। दूसरी बात, अब हमें क्विक प्लेज करना है, ठीक है, जिसके लिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ $1000 में डाल चुका हूँ आप लोगों के सामने लाइव करने के लिए, मतलब चलो लगा देते। एलपी भी इधर पड़ा है, प्लेज नहीं हो रहा है 0.71। अब मैं डायरेक्ट क्विक प्लेज करने जा रहा हूँ। क्विक प्लेज करने के लिए आप 4 करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, USDT BEP20, USDT ERC20, USDT TRC20 और FUSD main। तो मेरे पास क्या है, 1032 FUSD पड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, कितना पेनल्टी बन रहा है। अब दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब यारों पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखो प्लान यहीं पे आ गया पूरा, FUSD में चाहिए 7 दिन के लिए 1%, FUSD में 15 दिन के लिए चाहिए 1.1%, FUSD में 30 दिन के लिए चाहिए 1.2%, अगर वही FPC में चाहिए 7 दिन के लिए 1.1%, 15 दिन के लिए चाहिए 1.2% और 30 दिन के लिए चाहिए 1.4%। तो मैं करूंगा 30 दिन FPC और यहाँ पे क्विक प्लेज हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो चार, 1 महीने में कितने FTC आ रहे हैं, 8.21 प्रॉफिट में। अब ये चीज दिखाता हूं मैं आपको FUSD में 30 दिन में, ठीक है, 1.2%। यहाँ पे डेली के कितने आ रहे हैं, क्योंकि 1.2% है, 12.36, 370 FUSD आएंगे 1 महीने में 1000 के सामने, 37% बैठा बॉस, ठीक है, 36% मान लो, यस। दोनों चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 7 दिन का कैलकुलेशन करना है वो भी आ जाएगा, FTC में चेक करना है वो चेक कर लो, एक एक चीज का कैलकुलेशन है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं आपके सामने, 30 दिन का FTC में, ठीक है। अब 1 मिनट थोड़ा मैं इसको स्टॉप करता हूं पासवर्ड डालने तक। और दोबारा, अरे यार यहां पे दोबारा करने जाता हूं तो जूम चली जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है अब मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है, ये पासवर्ड डाल दिया, ये ओके जी, ये लग गया जी LP 1.4% में, प्रोसेसिंग चल रही है, अभी तुरंत प्लेज आ जाएगा।
$1,032 FUSD। आप क्या क्या लगा सकते हैं? BEP, ERC, TRC, FUSD, ये सारे स्टेबल कॉइन है। ये देखो जी, आ गया, हो गया जी प्लेज, 10/9 को पूरा हो जाएगा, 1 महीना। क्लियर? डेली के कितने आएंगे? 0.2739 FTC। कितना ग्रोथ हुआ भाई साहब? हमारे पास जितने FTC पड़े हैं उसको लगा दो USDT बना दो, क्योंकि आने वाले बाद में FTC है, उतने तो और बढ़ते जाएंगे। अब मुझे 1 महीने बाद 8 FTC एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब $400 हो गए एक्स्ट्रा, 50 का अगर रेट गिनता हूं तो 40% हो गया, 42%, क्योंकि वो आगे का पॉइंट काउंट नहीं किया हमने। तो ये काफी कुछ चीजें हैं दोस्तों, जो आपको समझनी होगी, सीखनी होगी और लोगों को सिखानी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं सर कैसे करना है, क्यों करना है। तो यहाँ एक चीज आपने और भी देखी कि मेरा जो LP लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो, इसका प्लेज नहीं हो रहा है, LP प्लेज कलर ही चेंज नहीं हो रहा है, ऑरेंज हो ही नहीं रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ज्यादा डाल के भी देखूंगा मैं। सर वहां पे मिनिमम 1 डालिए, मिनिमम एक क्या? वन वन पॉइंट पॉइंट मत लगाइए, ये वन। LB1 डालिए। हाँ एक लगाऊं? जी, फिर LB1 करिए, हो जाएगा। देखते कितना बैलेंस पड़ा है, 0.07। चलो एक काम करता हूं, अब मेरे पास एक FTC और भेज देता हूँ, मैं रुको, अरे एक और करता हूँ ना, वही देख रहा हूँ ना मैं, तुम पता तो चले। हाँ जी पहले वो पता कीजिए, प्रॉफिट में जाके लिक्विडिटी प्लेस के ऊपर। जी में वन रहेगा तब होगा ना, उसके नीचे नहीं होगा ना। यस, वन होगा तभी होगा। कोई बात नहीं यार, एक और भेज देते हैं, अब दोबारा चला जाएगा ये। चलो एक्सपेरिमेंट करके देखने में कोई बुराई नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब कैसे पता चलेगा? राज कर लिया एक्सपेरिमेंट, मिनिमम एक आप मतलब $20 से आपको LP लगानी पड़ेगी, $10 का आपका FTC फिन और $10 का FUSD, उसके बाद आपका प्लेस हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, कि कुछ ना कुछ पहले से थोड़ा। अब देखो ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। ये देखो आ गया, अब इसको LP तो है नहीं अपने पास, दोबारा करना पड़ेगा। 0.7 है ना, ज्यादा चाहिए उसको। क्या बार बार मांगता रहता है? चलो मैं LP लगा के पूरा बाद में स्क्रीन शेयर करता हूँ, दोबारा LP लगाता हूँ। और मतलब 2 बार LP लगी है ये मान लो अभी। मोबाइल में क्या लोटा है समझ में नहीं आया।
जब भी स्क्रीन से हटाता हूँ लॉग आउट हो जाता है। ये देखो मैंने दो बार एल पी लगा दी, ठीक है। अब तो दिख रही है आपको। अब इसको प्लेज में जाते हैं, अब लगेगी। जी सर अब लग जाएगा। यस अब आ गया। मिनिमम कितनी आती है पहले देखते हैं हम लोग। मिनिमम मिनिमम 0.2 का लगाना है सर, उसका रेट ऊपर जाए तो भी नीचे जाए तो भी, मिनिमम 0.2। कम से कम एक एलपी लगती है, तीन एलपी जो है कम से कम एक होनी चाहिए। यस यस। अब इससे 0.9 डालने जाता हूँ तो नहीं आता है, एक डालता हूँ तो आ जाता है। गुड। तो यहाँ पे 3.17575, ये लो जी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं करते हम लोग, चीजें समझ में नहीं आती है। चलो जी लग गई, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई आपको, ये हो गया पिक्चर क्लियर। अब सारी चीजें क्लियर हो गई, प्लान क्लियर हो गया नया। दोस्तों अब दो तीन दिन शायद मीटिंग नहीं होगी कल, क्योंकि कल हम ट्रैवलिंग में रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप में से जो भी हमारे रेगुलर मीटिंग लेने वाले भाई है, अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखें और टीम को ग्रो करते रहें। तो जितने भी रेगुलर के मीटिंग लोग लेते हैं वो रेगुलर मीटिंग स्टार्ट करें। सर जावेद बात कर रहा हूँ, 9:30 का मीटिंग मैं ले लूंगा सर, जब तक आप नहीं है। और ये दिन में हमारे अतुल जी ने, और हमारे वो भाई साहब नहीं दिख रहे। चलो और चलो रेगुलर करते रहो, कोई दिन में लो, कोई आफ्टरनून में लो, कोई रात को लो, ठीक है जी सर। जो आपको क्लियर हो गई होगी, आज कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के मुंबई जाना है और वहां से कल 12 बजे की फ्लाइट है सिंगापुर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ कि चीजें आपको क्लियर हो गई है और बहुत कुछ चीजें हैं जो वहां जाके मैं घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ। 4 दिन का भले ही हमने टूर रखा है लेकिन दिन रात ऑफिस में बैठा रहूंगा, रात को सिर्फ सोने पे होटल जाऊंगा बस सोने के लिए। तो आप लोगों के दिमाग में भी कुछ सवाल आते हैं, कुछ मैनेजमेंट के सामने रखना चाहते हो, तो आप लोगों के बिहाफ में मैं उनसे बात करूंगा। जो भी लीडर्स यहाँ पे अपनी क्वेरीज है वो रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने टीम लीडर के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के बिहाफ में, हमारे टीम के बिहाफ में और हमारे कम्युनिटी के बिहाफ। उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इतने सारे कंट्री में आप लोग इवेंट कर चुके हो, एक इवेंट हमारे इंडिया में भी करो, वो भी रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे दोस्तों। क्योंकि पहली बार मैनेजमेंट से आमने सामने मिलने का मौका मिलेगा, फर्स्ट टाइम। ठीक है तो आज के लिए इतना ही।